हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, जो कि आज ही इनका रिजल्ट यहां पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। शायद से आपने उनके रिजल्ट को देख भी लिया है। तो अब उस पहले ही हम आपको बता दें कि इनके जो रिजल्ट है दोस्तों, वो यहाँ पे शानदार हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। उसमें कोई भी दो राय यहाँ पे नहीं, अगर आप यहाँ पे इनके रिजल्ट को यहाँ पे देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर बातें करें तो शानदार रिजल्ट के बावजूद भी इस कंपनी में हम लोगों को यहाँ पे उल्टा देखने को मिला, गिरावट देखने को मिल गई। जबकि यहाँ पे हम, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि शानदार रिजल्ट था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे तेजी देखने को मिलने चाहिए थी। तो यहाँ पे गिरावट क्यों हो रही है, तो उसके पीछे दोस्तों दो रीजंस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं, जिसको ही यहाँ पे हम लोग आपको बताने वाले हैं। एंड साथ ही साथ इनके रिजल्ट को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। सो सीधा हम यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर आ गए। सबसे पहले हम आपको बता दें, हर बार की तरह कि जितने भी फिगर्स यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगा यहाँ पे इस रिजल्ट में, वो सभी रुपीस इन करोड़्स में रहेंगे। एंड यहाँ पे इस क्वार्टर का डाटा, एंड यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का डाटा मतलब जून का डाटा, एंड यहाँ पे लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर का डाटा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पे रिजल्ट हम लोग थोड़ा फास्ट मोड में यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप तेजी से यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बातें करें दोस्तों, आप देख सकते हैं 2308 हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। लास्ट क्वार्टर 2219, एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 1768। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू इस बार का हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, उसमें क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे तगड़ा जंप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देन यहाँ पे एक्सपेंसेस की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बार का जो एक्सपेंसेस है 1856 हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। लास्ट क्वार्टर 1799, लास्ट ईयर की बातें तो 1442 यहां पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। मतलब यहां पे इस बार का जो एक्सपेंसेस है वो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे इसमें भी जब हम लोगों को देखने को मिल जाए, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहां पे जो इनकम था टोटल इनकम, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, तो इसमें भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल जा रही है। अभी आते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख ले जो कि आपको बतानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के एक्सेप्शनल आइटम की एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस बार का जो प्रॉफिट है मेरे भाई, आप देख सकते हैं कि 311 हम लोगों को देखने को मिल रहा, लास्ट क्वार्टर 291, एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 248 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो अब खुद यहाँ पे देखिए, इस बार का जो प्रॉफिट है 311, लास्ट क्वार्टर 291, लास्ट ईयर 248। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिला कि ईयरली बेसिस पे भी हमारी कंपनी में अच्छा खासा जंप है, एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा जंप है। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बोला कि इनके जो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं, वो शानदार यहां पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि आप अच्छी बात है। अगर आपके पास इनके शेयर्स हो तो आराम से इसको होल्ड करके कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ सकते हैं। देन दोस्तों, ईपीएस की अगर यहां पे हम लोग बातें करें, तो देख सकते हैं ईपीएस में भी अच्छा खासा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस बार का 10.52, लास्ट ईयर 9.84, एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 8.43। तो यहां पे ईपीएस में भी आप देख सकते हैं क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे हम लोगों को सेम प्रॉफिट के हिसाब से यहां पे हम लोगों को जंप देखने को मिल जा रही है। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बोला था, दिक्कत यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम लोग सीधे उस प्रॉब्लम के ऊपर आ गए, उस रीजन के ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी कंपनी में आज आप लोगों को रिजल्ट के बावजूद, अच्छे रिजल्ट के बावजूद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि देखिए, हर एक कंपनी के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि इनके जो रिजल्ट है वो हम लोगों को इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं, उस टाइप के, मतलब एक फिगर मन में बैठा लेते हैं लोग, कई तरह के लोग, जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो वो लोग कई तरह के फिगर्स यहाँ पे मन में बैठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 10 लोग हैं, ठीक है, तो एक लोग, जैसे यहाँ पे 10 लोग अगर जितने भी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 7 ब्रोकर्स है, ठीक है, तो जितने ब्रोकर्स अपने अपने एस्टिमेट देते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो 2 करोड़ प्रॉफिट आएगा, या फिर 2 करोड़, या मतलब एक एस्टिमेट निकाला जाता है, जितने भी यहाँ पे ये लोग फिगर देते हैं, ठीक है, उसका एक एस्टिमेट निकाला जाता है, एंड उसी हिसाब से यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट है क्वार्टर टू का, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे -13% हम लोगों को गिरावट में देखने को मिल जा रही है, मतलब एस्टिमेट को यहाँ पे मिस करते हुए देखने को मिल जा रही है, जिसके ही बाद से यहाँ पे इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 6.40% की गिरावट देखने को मिल जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं देखने को मिला था, तब तक यहाँ पे
ये कंपनी नॉर्मल थी। एंड जैसे यहाँ पे इस पोजीशन पे हम लोगों को रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिली है दोस्तों, इस पोजीशन पे अगर यहाँ पे बातें करें उसी के बाद से यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। मतलब यहाँ पे एस्टिमेट मिस की पहला रीज़न तो यही हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, उसके वजह से यहाँ पे ये गिरावट थी। एंड ये जो गिरावट है वो आप देख सकते हैं कि 6.40% की देखने को मिल जा रही है। एंड सेकेंड रीज़न की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो मेरे भाई वो रीज़न है मार्केट में जो प्रेशर यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, वो सेकंड रीजन यहां पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। ये जो गिरावट है वो काफी बड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। देखा जाए रिजल्ट अच्छा है लेकिन मार्केट के प्रेशर के कारण ये जो गिरावट है वो हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा ही देखने को मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि इस कंपनी को आप लोग आगे कंटिन्यू लेकर के चल सकते हैं, तो इसके 5 साल के रिटर्न्स की बातें करें तो देखिए 471% का रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पे दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है। देन यहाँ पे इससे लंबा भी अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतना पैसा इतना इसने रिटर्न दिया है दोस्तों को, करोड़पति क्या अरबपति खरबपति लोग यहाँ पे बन चुके होंगे। आप देख सकते हैं कि 1,00,000% से भी ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, वो भी आप देखिए 22 ईयर्स की यहाँ पे केवल बातें चल रही है। 22 ईयर्स बाद बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा, ये ईयर्स हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। कंपनी आप देख सकते हैं SRF लिमिटेड की यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, तो इनका जो रिजल्ट है दोस्तों मेरे हिसाब से वो हम लोगों को अच्छा देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर इसमें गिरावट होती है, देखिए गिरावट में ऐड करने के रीज़न अगर हम लोगों के पास होना तो इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। एंड इस टाइम हम लोगों के पास इस कंपनी को यहाँ पे ऐड करने का सॉलिड रीज़न है कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है मेरे भाई वो हम लोगों को अच्छा देखने को मिल रहा है। सो अगर गिरावट होता है तो आप भी यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं। एंड आपको मालूम है ये कंपनी अभी हाल ही में यहाँ पे स्प्लिट भी दी थी, तो नहीं सॉरी स्प्लिट नहीं, यहाँ पे बोनस शायद इसने दिया था, तो बोनस यहाँ पे दिया था, उसके कारण यहाँ पे ये कंपनी आप लोगों को 2000 के आसपास देखने को मिल जा रहा, नहीं तो ये 10,000 के आसपास देखने को मिल जा रहा था। सो कंपनी सॉलिड है, कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड है, रिजल्ट भी सॉलिड आया है, तो आराम से इस कंपनी के साथ आप बने रह करके चल सकते हैं विदाउट एनी पैनिक। पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से इसके साथ बने रहिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।